रिश्तों की मर्यादा का बंधन तोड़कर कोई दूर चला जाए तो, कोई रूठ जाए तो, कोई आपको दरकिनार कर रहा हो तो, कोई वादा खिलाफी कर रहा हो तो, रिश्तों में संबंधों में मधुरता समाप्त तो हो गई हो तो क्या चाहिए? दो लौंग और एक गिलास पानी। एक गिलास पानी में दो लौंग डालकर यह बोल देना, फिर क्या होगा? फिर हर घड़ी फोन आएगा, फिर हर घड़ी तुम्हारी याद आएगी। हाँ, एक अच्छे बड़े शायर हुए, कभी हुए, वो कहते हैं, याद आ रही है, याद आ रही है, हर घड़ी फोन, हर घड़ी बात, हर घड़ी तुम्हारा इंतजार, तुम्हारे सपनों के अलावा कुछ और देखेगा ही अब नहीं। 24 घंटे 24/7। एक और खास बात, इधर आपने ये लौंग डाली, उधर आपका काम होना शुरू हो गया। जान लीजिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूँ लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी जहाँ पर कोई काम नहीं करता वहाँ वर्क करती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान करने का एक अनूठा संगम है। मैं जब आस्था संस्कार इत्यादि पर प्रवचन करता था, मेरे सामने 10,000-20,000 लोग बैठते थे, मुझे मजा नहीं आता था। आज जब मैं तुम्हें एकाकी रूप में सिर्फ तुमसे अकेले बात करता हूं तो मुझे मजा आता है, क्योंकि यहां मैं वो कर पा रहा हूं जो वहां नहीं कर पा रहा था। वहां तो मैं हर बार वही बात बताता, राम का जन्म कहां हुआ, उन्होंने सीता को कैसे बचाया और फिर वापस आके राज्य पाया, वो पूरी वही कथा हर बार वही सुनाता, हर बार वही सुनाता। कृष्ण का जन्म कहां हुआ, वो उनका पालन पोषण कहां हुआ और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या लीलाएं करी, उसका दर्शन कराता। हर बार सेम चीजें, वही भजन, वही गाथा, वही सब कुछ हर बार सुनाता। हर जगह चेंज होती, लोग चेंज होते, बात वही होती हर बार। और उनमें से कुछ बहुत कम लोग होते जो उस बात को पूरी समझ पाते। अगर मैं उस समय का परसेंटेज कहूं तो हो सकता 2% लोग भी ऐसे नहीं थे जो उस कथा को सुनकर अपने जीवन में उतार सकते एक भी लाइन। पर यहां 95% प्लस है लोग जो अपना जीवन ठीक कर रहे हैं, खुशहाल हो रहे हैं, जीवन जीना सीख रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। जब मैं कहता हूं कि भाई तुम मेमना, बकरी और मेमे करने वाले लोग मत बनना, तुम रो के बिलख के परेशान होके अपने आप को कष्ट मत देना, अपने आप को कमजोर मत करना, ये लड़ाई है, ये युद्ध है, इस पे कमर कस के खड़े हो जाना, तो तुम खड़े होते हो, तुम वैसा करते हो, तुम जीत रहे हो। क्योंकि कटवाए न पादप टेढ़े गए, सदा सीधों पे आरे चलाए गए, सिंह का बाल न बाका हुआ बक रे की बलि ही चढ़ाई गई। ये संसार रोने वाले लोगों का नहीं है, ये संसार बिलखने वाले लोगों का नहीं है, ये संसार पीछे हटने वालों के लिए नहीं है, ये संसार डटकर खड़े होने वालों के लिए है। एक जब समस्या आती है तो बहुत सारे परसेंटेज में लोग हैं जिनको लगता है, अरे बाप रे बड़ी दिक्कत है। फिर उनमें से कुछ समझदार लोग हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, समस्या है तो समाधान भी है। फिर और थोड़े ज्यादा समझदार लोग भी हैं कुछ, वो क्या कहते हैं पता है? वो बोलते समस्या है तो एक अपॉर्चुनिटी है, समस्या ही एक अपॉर्चुनिटी है, समस्या आपको महान बना सकती है, समस्या आपको बड़ा बना सकती है, समस्या आपको श्रेष्ठ कर सकती है, समस्या आपको श्रेष्ठतम तत्व से ओतपोत कर सकती है। दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो हो सकते थे, लेकिन 14 साल के वनवास ने उन्हें भगवान राम बना दिया। हाँ, कष्ट नहीं ही तो किया ये,
वेद कहता है, शास्त्र कहता है, ये वो ध्यान से समझना। आज मैं कह रहा हूं छोटी सी चीज से चीजें ठीक हो सकती है। दो लौंग एक गिलास पानी आपकी सारी चीजें ठीक कर सकता है। तुम्हारे प्यार में दिक्कत है, ठीक हो सकता है। तुम्हारे रिलेशन में दिक्कत है, ठीक हो जाएगा। तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में परिवार प्रॉब्लम आ रही है, एकदम ठीक हो सकता है। कोई अपनी बात से मुकर रहा है, एकदम ठीक किया जा सकता है। समस्या कोई भी, समाधान आज आपके सामने होगा। शास्त्र कहता है विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणम विष्णु संतति नारायण स्मृति। बोले विपत्ति विपत्ति नहीं है, वैसे ही संपत्ति भी संपत्ति नहीं है। तो बोले फिर है क्या? भगवान को भूल जाना विपत्ति है, भगवान को याद रखना संपत्ति है। और भगवान कौन? तुम्हारा प्यार, तुम्हारा चाहने वाला, या तुम्हारा पति, या तुम्हारी पत्नी, या तुम्हारा प्रेमी, या तुम्हारा प्रेमिका, जो भी तुम हो वो। तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कहीं उस विपदा से तुम लड़ने के लिए प्रिपेयर हो, तैयार हो, या डर कर पीछे बैठ रहे हो। जिस दिन तुम्हारे पार्टनर ने पलट कर देखा और उसे ये महसूस हुआ कि मैंने बहुत अच्छा काम किया इसे छोड़कर, तुम उसी दिन हार जाओगे। उसे पश्चाताप होना चाहिए कि मैंने बहुत अच्छी चीज छोड़ दी और बहुत गलत काम किया। तुम उसके लिए तैयार हो जाओ। अपनी श्रेष्ठता, अपना मूल्य, अपनी ताकत, अपनी कीमत, अपनी अपना बल कमजोर मत होने देना। तुम्हारी पहचान है ये। निजता, अस्मिता और स्वयमेवता समाप्त करके इंसान कभी कुछ नहीं पा सकता। ये बहुत ध्यान रखने की कोशिश करना। विश्व का कोई भी उपाय इस पे काम नहीं करता। एक दिन रोने से अगर 41 दिन खराब होते हैं, तो जरा तुम सोचना दिन में 10 बार रोकर तुम कितने दिन खराब कर रहे हो। उतने ही दिन बाद काम होगा। अगर तुमने एक दिन में 400 दिन खराब कर दिए तो एक साल बाद काम होगा। और तुम रोगे तो कल भी, कल फिर एक साल खराब करोगे। और ऐसा महीने भर किया तुमने तो 30 साल तो तुमने वैसे ही खराब कर लिए। हाँ, क्योंकि हर एक दिन में तुम एक साल खराब कर रहे हो, तो 30-30, 50-50 साल खराब करके आकर के तुम्हें लगता है कोई जादूगर आएगा। ठीक है, तुम मानते हो मुझे, ठीक है, यहां आके चीजें ठीक होती हैं, ठीक है, मेरी तपस्या, मेरी साधना का फल तुम्हें मिल जाता है, पर कब तक? तुम खुद बलवान क्यों नहीं बनते? तुम स्वयं श्रेष्ठ क्यों नहीं बनते? तुम स्वयं उस लेवल पे क्यों नहीं खड़े होते कि तुम स्वयं अपनी मदद कर सको और 2-4 लोगों की मदद कर सको? उस लायक बनो ना, ये संस्थान और बड़ा हो जाएगा और बहुत बेहतर होगा, है ना। चलो सीधा उपाय की बात करते हैं। आज हम कह रहे हैं एक गिलास पानी में 2 लौंग डालकर ये शब्द बोलकर, ऐसा करने से आपका प्रेमी आपके पीछे भागेगा, आपकी प्रेमिका आपके लिए दिन रात तड़पेगी, आपका पति आपकी पत्नी कभी अलग हो ही नहीं पाएंगे। कोई कहीं और जा रहा हो तो 100% आपका हो जाएगा, बीच में कोई आ रहा हो तो वो नष्ट हो जाएगा, परिवार में कोई भड़का रहा हो तो वो डेफिनेटली दूर हो जाएगा, परिवार मान नहीं रहा हो तो भी इस उपाय का बड़ा लाभ लिया जा सकता है। आपकी मनशा, अपनी श्रद्धा विश्वास के साथ ओतपोत रखिए, सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सीधा उपाय को और लेकर के चलते हैं। मैं तो उपाय बता रहा हूँ, रास्ता ही बताता हूँ, और तो थोड़ी कुछ करता हूँ। सीधा उपाय को लेकर के चल रहे हैं। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत अद्भुत उपाय है। आपको एक ग्लास में पानी लेना है। पानी में पहले अपने पार्टनर का नाम लेकर के सूखा फूंक मार देना है 3 बार। इस प्रकार से फिर 2 लौंग फूल वाली लीजिए, उसकी पीछे का डंठल की तरफ से, उसकी चोंच की तरफ से पकड़ लीजिए, और आगे का फूल जो होता है लौंग का वो आगे रखिए। और ग्लास की दीवाल पर, जो ग्लास की दीवाल है उसके ऊपर ऐसे रख दीजिए। और रख कर जो मैं कह रहा हूँ इससे बोलिएगा, ओम अंग ओम चन ओम टन ओम पंग, ऐसा बोल के लास्ट में स्वाहा और एक लौंग छोड़ दीजिए। ऐसा ही दोबारा फिर बोलिए, फिर स्वाहा बोलिए और दूसरी लौंग अंदर की ओर छोड़ दीजिए। आपको उठाकर नहीं डालना है, छोड़ के गिराना है, और बस खुला ही रख दीजिए। प्रातः जब आप उठे
तो इसमें से एक घूंट पानी पी लीजिए और एक घूंट पानी पीकर उसमें वापस छोड़ दीजिए और बाहर किसी भी बड़े पेड़ में उठाकर डाल दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन की जितनी भी बुराइयां हैं, खराबियां हैं, आपके कर्मों की कुछ दिक्कतें हैं, आपके व्यवस्थाओं की कुछ गड़बड़ी है, जहां पर भी कोई समस्या आ रही, वो चाहे ग्रह नक्षत्र हो, चाहे तुम्हारा क्रियाकर्म हो, चाहे तुम्हारा कृतकर्म हो, चाहे तुम पर किया कराया कुछ उल्टी सीधी चीजें हो, कारण कोई भी हो, निवारण त्वरित काम करेगा। ये श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, पूरे यकीन के साथ करना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। पानी आधे घंटे में क्यों, जल देवता है, उसे प्रणाम करोगे तो वो अंदर जाकर कुछ काम करेगा, है ना। तो झूठा करो बार बार अपने अपने आप को जल से, फिर देखना अंदर जाकर क्या काम करता है वो। बहुत मन से करना, प्रीवियस लाइफ मत बताना किसी भी हाल में, पैसों का आदान प्रदान मत करना, रोना है ही नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं होना, नेगेटिव होने की एकदम आवश्यकता नहीं है। एक विषम से विषम परिस्थिति में भी सकारात्मक चिंतन लाने की कोशिश करना, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारी 24 घंटे की दिनचर्या पर हमारा ध्यान है, तुम यकीन करके तो देखो, तुम्हारे साथ पाओगे मुझे। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।